हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्लेंड एकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, आप सभी को सामने आज हम क्या कर रहे हैं, डाइस का दूसरा टॉपिक्स चालू कर रहे हैं क्लास टू, और कोशिश करेंगे आज इसको पूरा क्लियर कर दें। तो हम पिछली क्लास में पासे का परिचय पढ़ चुके हुए थे और उसके साथ साथ पासे के अंतर्गत किस किस टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं उन सब चीज़ों की भी चर्चा कर चुके थे। क्लियर दोस्तों? तो आज हम लोग उन सभी टॉपिक्सों को पढ़ेंगे, जैसे वन फेस कॉमन, टू फेस कॉमन, नो फेस कॉमन, और उसके बाद पासे का प्रसार, पासे को मोड़ना, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपके हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को लगाने के लिए हमें अब टॉपिक वाइज क्लियर करना पड़ेगा। जैसे पहले टॉपिक्स में दिया हुआ है कि एक सतह समान होने पर, तो जब दो पासे की एक स्थिति दिया, दो मतलब एक पासे की दो स्थिति दिया रहता है और उनकी एक सतह समान होती है, तो उनमें दो प्रकार का प्रश्न पूछता है। टाइप फर्स्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब विपरीत सतह ज्ञात करना। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, जैसे एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी गई, जैसे मैंने एक ही पासे की दो स्थितियाँ बना लिया, ऐसा क्लियर है। एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं और इनमें कुछ ना कुछ अंक भर देते हैं हम, 4, 3, 5, 6, 1, 3 ऐसा लिख दिया है, क्लियर है। तो जब यहाँ पर आपकी कंडीशन दिया हो तो विपरीत सतह में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी वन फेस कॉमन का ही क्वेश्चन है। एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं और दोनों पासों में देखेंगे ऐसा कोई ना कोई अक्षर, अंक, संकेत, अभी तो यहाँ अंक है लिखा हुआ है, दोनों में ऐसा कोई ना कोई होगा जो एक समान होगा। तो इसमें और इसमें देखेंगे कौन समान है, तीन समान है। तो दोनों पासों में क्या चीज समान है, तीन समान है। तो इसका मतलब हम विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए करते क्या है कि यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उनमें एक सतह समान हो, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई और उनमें एक सतह समान हो, तो जो सतह समान होता है उसे चिन्हित करके उसी से दोनों स्थितियों में क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। क्लॉकवाइज घूमने के बाद क्या होता है, समान स्थान पर दोनों स्थितियों में आने वाले अक्षर, अंक, संकेत एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर घूमेंगे 3, 4 और 5 आ जाएगा, तो हमने 3, 4 और 5 लिख लिया, क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर हम घूमेंगे 3, 6, 1 आएगा, इसका मतलब हमने 3, 6, 1 लिख लिया। अब जो अंक आपका एक बार भी नहीं आया है उसको हम डबल बार जो आपका लिखा है उसके नीचे लिखेंगे, तो कौन अंक है जो एको बार नहीं आया है, इसका मतलब 2। तो कौन किसका विपरीत आ रहा है अपने आप क्लियर हो रहा है, तो हमने एक दूसरे के नीचे लिखकर क्लियर कर दिया, क्लियर दोस्तों। अगर यहाँ पर अंक दिया हुआ है, अगर कोई और डिजिट दे दिया जाता, मान लेते इसी पासे में आपका ये दूसरा कोई मैंने पासा बना लिया, फिर से एक नया क्वेश्चन बना लिया कि एक पासे की दो स्थितियाँ इधर दे दिया जाए और इनमें क्या कर दिया जाए दोस्तों, अक्षर भर दिया जाए। जैसे मैंने लिख दिया क्या, A, D, C, F, B, C, या यहाँ पर हमने क्या भर दिया, A, ऐसे भर दिया। तो इसका मतलब एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और उनमें एक से लेकर के A से लेकर F तक के अक्षर लिखे गए हैं, तो बताइए एक दूसरे विपरीत सतह पर कौन से अक्षर होंगे, या B का पूछ सकता है, C का, D, किसी का भी पूछ सकता है। तो आप ऐसे एक अक्षर का पूछता है तो आपको करना क्या है, दोनों में A समान है तो जो समान होता है उसी से हम बढ़ते क्रम ही चलते, घटते भी चल सकते हैं कि बढ़ते ही हमेशा चलेंगे। तो A के जस्ट आगे C है, यहाँ A के जस्ट आगे B है, तो C और B विपरीत हो जाएंगे दूसरे के। A के जस्ट आगे C के बाद D आपका है, या A के जस्ट पीछे D है, तो यहाँ A के जस्ट पीछे F का, D विपरीत हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या क्लॉकवाइज घूमेंगे, A C D इसमें हो रहा है और इसमें A B F, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रम से A C D लिखेंगे और यहाँ पर A B F लिखेंगे, A B F, और A से F तक के अच्छा लिखे गए थे, कौन अच्छा नहीं लिख रहा है, E, तो जो जिसके नीचे आ रहा है वे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे दोस्तों, विपरीत हो जाएंगे, क्लियर है। तो मैंने अंक वाला भी बता दिया, अक्षर वाला भी बता दिया, तो आपको विपरीत सतह निकालना हम बता रहे हैं। तो दो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है, अभी हम इसका आगे प्रयोग करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे दो पास एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, कलर दिया हो या कोई संकेत सिंबल दिया हो, तो उनमें भी आकर देख लेते हैं, दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा दोस्तों मैंने एक पासे की दो स्थिति यहाँ पर दर्शाई है, मान लेते हैं इसमें हम कलर का नाम लिख देते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया लाल, लिख दिया हरा, लिख दिया पीला, लिख दिया,
और इसमें मैंने क्या लिख दिया, मान लेते हैं नीला लिख दिया और यहाँ पर लाल लिख दिया और यहाँ बैगनी लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ 6 कलर तो मैंने लिखा हुआ, मतलब 5 कलर लिखा हुआ है, 1 कलर दोनों में कॉमन है। तो आप सोचेंगे छठवां कलर हम क्या लें, तो इसमें क्या होता है जैसे ऑप्शन में आपका दे देता है, 5 कलर तो यहाँ दिखाई दे ही रहा है, दोनों में आप बढ़ते क्रम चलेंगे तो लाल पीला हरा, लाल पीला हरा ये आपका दिख रहा है, लाल पीला हरा। और यहाँ पर आप देखिए मतलब हमने लाल पीला हरा लाल दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है उसी से हम हमेशा क्लॉक वाइज चलेंगे, तो यहाँ लाल नीला बैगनी आपका दिख रहा है, तो हमने लिख दिया क्या, लाल नीला और बैगनी, ऐसे हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे। अब आप सोचेंगे अगर लाल का विपरीत पूछ लिया जाता है, तो मान लेते हैं ऑप्शन दिया हो, तो इन 5 कलर के अलावा ऑप्शन में कोई छठवां कलर दे दिया हो तो वो लाल का विपरीत हो जाएगा। अगर नहीं देता है इसका मतलब लाल का आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, बाकी पीला और नीला एक दूसरे के विपरीत हैं, हरा और बैगनी एक दूसरे के विपरीत हैं, बाकी लाल का विपरीत कौन होगा, तो ऑप्शन अगर दिया रहता जिसमें कोई छठवां कलर दिया होगा इन 5 के अलावा तो वही आपका लाल का विपरीत हो जाएगा, तो विकल्प दिया ही जाता है। तो कैसे निकालेंगे, क्लियर हो गया, ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ एक पासे की 2 स्थितियां दिया हो और इनमें क्या दे दिया हो, कोई सिंबल दे दिया, संकेत दे दिया, जैसे हमने हैज लिख दिया, स्टार लिख दिया, एट द रेट लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया और मैंने लिख दिया साई लिख दिया और यहाँ भी हैज लिख दिया। क्लियर दोस्तों, तो हमें 1 फेस कॉमन पड़ रहे हैं, तो अक्षर अंग संकेत बिंदु कोई भी चीज दे सकता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो इसका मतलब दोनों में देखेंगे तो कोई ना कोई एक सिंबल है जो दोनों स्थितियों में समान है, तो क्या दिख रहा है, तो हैज से यहाँ क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो हैज एट द रेट स्टार, तो इसका मतलब हमने लिख दिया हैज लिख दिया, एट द रेट लिख दिया, स्टार लिख दिया, और यहाँ पर हैज साई परसेंटेज लिख दिया, तो हैज साई और परसेंटेज, तो एक दूसरे के नीचे जो आ रहे हैं वो एक दूसरे विपरीत हो जा रहे हैं, तो अगर हैज का पूछ लिया तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा कंडीशन, क्योंकि कोई इसमें फिक्स है नहीं, छठवीं आकृति कोई फिक्स है कि वही होगी, जिसमें कलर नहीं पता है, लेकिन अक्षर वाले में ए से अब तक दे दिया, अंक वाले में 1 से 6 तक दे दिया या 5 से 11-12 तक दे देता है, तो ऐसा कंडीशन देता है तो उसमें पता नहीं अगला क्या होगा, लेकिन इन सब में कोई फिक्स नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मान लेते इसमें हैज का ही विपरीत पूछ लेता तो इसका मतलब इन सभी सिंबलों के अलावा कोई छठवां सिंबल आता तो वही हैज का विपरीत होता, बाकी यहाँ पर एट द रेट का साई हो रहा है, साई का एट द रेट, स्टार का परसेंटेज का स्टार। क्लियर है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नीचे दिए गए पासे को देखकर बताइए कि नीला का विपरीत क्या होगा, इसमें एट द रेट का विपरीत क्या होगा, साई का विपरीत क्या होगा, परसेंटेज का विपरीत क्या होगा, तो इस तरीके से आप लोग विपरीत निकालना सीख गए हैं तो ऑटोमेटिकली बता सकते हैं, देख कर बता सकते हैं। अगर इसी में आप तो सब का निकल जा रहा है, मान लीजिए इसमें पूछ लिया होता हैज का मतलब साई का विपरीत क्या होगा, कि साई के विपरीत सत्ता पर कौन सा सिंबल है, इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या था, हैज, तो हैज से जस्ट आगे साई था, इसमें हैज से जस्ट आगे एट द रेट था, तो साई एट द रेट विपरीत हो जाएंगे, तो यहाँ साई एट द रेट दिख रहा है, तो आप देख करके बता सकते हैं। तो दोस्तों हमारा आपसे यही उम्मीद होगी कि आप लोगों को 1 फेस कॉमन में विपरीत सत्ता निकालना आ गया होगा। अब इसी विपरीत सत्ता की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अगले टॉपिक्स को पढ़ते हैं जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा ये पूछता है। बाकी दोस्तों अभी क्या होगा, अभी तो 2 फिगर दे रहा है आपका, 2 ही स्थिति दे रहा है, 4-4, 5-5 स्थितियां दे देता है तो उसमें विपरीत सत्ता पूछ लेता है, तो उसको अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसमें 1 फेस कॉमन भी लग जाता है, 2 फेस कॉमन भी, तो जब 2 या 2 से अधिक आपकी स्थितियां दे दी जाती है तो वहां भी हम 1 फेस कॉमन का ही नियम लगाते हैं, 2 सत्ता समान बिना सत्ता समान वाला कंडीशन नहीं देखते हैं, तो उसको भी हम लास्ट में बताएंगे, अभी सिर्फ 2 चित्र बनाकर बता दिए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं विपरीत सत्ता, क्लियर हो गया इसमें के सेकेंड टॉपिक्स जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान क्या होगा। देखिए दोस्तों जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है कि एक पासे की 2 स्थितियां ये दी गई हैं, मतलब टोटल तो 4 स्थितियां दी गई हैं, लेकिन इन दोनों स्थितियों की सहायता से हम आगे के 2 पासों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा वो भरना है। तो दोस्तों एकदम से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, बस 2 से 3 क्वेश्चन बताएंगे कन्फर्म हो जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जिस पासे ऐसे 2 पासे को लेंगे जिनमें हमें क्या हो कि सारी चीजें मिल रही हो, इसका मतलब सारी चीजें मिलने का मतलब कोई भी जगह पर रिक्त स्थान ना हो, तो हम पहले तीसरे से पहले चौथे से दूसरे तीसरे दूसरे चौथे से नहीं लगाएंगे, हम पहले और दूसरे पासे को लेकर के लगाएंगे। तो इसमें देखेंगे तो 1 फेस कॉमन की कंडीशन दिख रही है, दोनों में क्या है एक सतह उभयनिष्ठ है, समान है, तो क्या समान है दोस्तों, 3-2-5 इसमें हो जाएगा, इसमें 3-1-4, तो 3-2-5 हो गया, अब 3-1-4 हो गया,
इतना आप लिख लिया, इसका मतलब छह यहाँ विपरीत, एक दूसरे का हमने विपरीत निकाल लिया। अभी यहाँ तक तो हमने बताया था आपको, अब इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, थोड़ा पांसे का प्रसार रूप आप देख लीजिएगा, नया थोड़ा लगे लेकिन क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब पांसे में टोटल छह सत्ताएं होती है और हर सत्ता की चार पड़ोसी होती है, एक विपरीत होती है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक दो दो चार सत्ता ये बना लिए। अब ये हम एक बना लिए ऊपर, ये इसका प्रसार रूप बना रहे हैं। कुछ लोग सोचेंगे ये पांसे का प्रसार रूप, पांसे का कई प्रसार रूप होता है, लेकिन इसी की सहायता से हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हर एक सतह की कितनी सतहें पड़ोसी होती हैं, चार सतहें पड़ोसी होती है। इस सतह की एक दो तीन चार सतहें पड़ोसी हैं, इस सतह की भी एक दो तीन चार सतहें पड़ोसी हैं, इस सतह की भी एक दो तीन चार, तो हर सतह की चार पड़ोसी सतहें हैं। तो एक को छोड़ने के बाद विपरीत आता है, तो जरूरत पड़ने पर क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाकर भी ले सकते हैं, इस वाले को उधर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वाले ये भी पड़ोसी होंगे। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी तो। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इसमें इन्हीं विपरीत अंकों को भरेंगे। तो कैसे भरना है, सबसे पहले इन्हीं दो अंकों को भरना है। तीन का विपरीत छः है, जिसका मतलब ऊपर से भरेंगे तीन ऊपर छः नीचे, और दाहिने साइड से भरते हुए क्रम में सिर्फ भरने का ही इसमें मेन गुण है, बाकी क्वेश्चन आसानी से आ जाता है। तो दो का विपरीत एक है, जिसका मतलब यहाँ पर दो लिखेंगे तो इसके एक छोड़ करके ही विपरीत निकलता है, तो दो विपरीत एक, लेकिन एक उधर लेकर दो इधर नहीं लिखेंगे, हम क्रम से लिखते चलेंगे, क्योंकि तीन और छह लिखे फिर दो और एक लिख रहे हैं, तो दो इधर लेंगे तो एक छोड़ेंगे तो अपना आप विपरीत आ जाता है। पांच का विपरीत चार है, जिसका मतलब पांच यहाँ लिखेंगे तो चार यहाँ, अब यहाँ नहीं पहले चार लिख के फिर उल्टा पांच लिखें, तो जो क्रम हमारा होना चाहिए सेम होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, तो हमने इतनी सारी चीजें भर लिया है। अब हमको यहाँ पर हर एक बिंदु से हर एक कोने से कितनी सतहें जुड़ी होती हैं, तीन सतहें जुड़ी होती हैं, और उन्हीं में हमको क्लॉकवाइज घूमना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, छः पाँच क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो यहाँ भी आप देखेंगे छः यहाँ दिख रहा है, तो चार सतहें ये पड़ोसी हैं, तो किसी भी स्थान से हम क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, छः चार एक भी कर सकते हैं, छः एक पाँच भी, और यहाँ छः पाँच दो, तो यहीं पर हम घूमेंगे छः पाँच दो, क्योंकि यहाँ कैसे आप घूमना है, छः पाँच क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ छः पाँच दो, तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, दो आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये छः इन चारों के पड़ोस में हैं, तो अगर यहाँ पर चार लिखा होता तो छः चार एक आता, अगर यहाँ पर मान लेते हैं पाँच के स्थान पर एक लिखा होता तो छः एक पाँच आता, अगर इसके स्थान पर दो लिखा होता तो छः दो इधर आता, इधर का मतलब ये चार जाता उधर, तो ये चार को भी हम यहाँ आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है, तो ये चार उधर बढ़ जाए, क्योंकि एक के छोड़ने के बाद विपरीत आता है, तो पांच का विपरीत चार इधर भी है, एक उधर अगर चलेंगे तब भी वही चार आएगा, घुमा के देखेंगे तो। यही चीज बार बार रिपीटेड होती रहती है। तो उसी तरीके से अगले वाले पॉइंट देखेंगे क्या दिख रहा है, दो तीन क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये दो दिख रहा है, ऊपर तीन दिख रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो तीन क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन हमेशा क्लॉक वाइज ही चलते हैं, सोचिए दो तीन इधर उल्टा घूम देंगे पांच पे आ जाएगा, गलत हो जाएगा, दो और ऊपर तीन है, तो ये तीन हाथ जगह ऊपर माना जाएगा, क्योंकि तीन के पड़ोसी कौन है, चार एक पांच दो, तो ये चारों आपके पड़ोसी हैं, तीन का विपरीत सिर्फ छह ही है, तो इसका मतलब दो तीन, तीन तो ऊपर कहीं भी है, और आगे हमें जरूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे, क्योंकि पांच का विपरीत यहाँ चार है, तो इधर भी पांच का विपरीत क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, एक छोड़ने से वही चीज फिर आएगा। और आगे मान लीजिए सोचते हैं कि आगे क्या इसके होगा, तो इधर देखेंगे दो का विपरीत यहाँ एक है, तो दो का विपरीत इधर भी एक, तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि घुमाने पर वही चीज आएगी, तो यहाँ पर घुमा के देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वही अंक आएंगे। तो इसका मतलब आपका दो तीन ऊपर है, तो दो तीन क्वेश्चन मार्क का मतलब चार आ रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क बराबर क्या दोस्तों आ जाएगा, चार। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से आप लोगों को ये बताना है। अब इसी में हम आइए और दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया है कि एक पांसे की दो स्थिति दिया गया है, उसके आगे दो स्थितियां और देकर क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है, तो फटाफट आप लगाएंगे विपरीत सतह निकालना, विपरीत सतह निकालना सीख गए हैं, दोनों में एक उभयनिष्ठ अक्षर है कौन है, ए दोनों में कॉमन है, तो ए एफ डी आप लिख देंगे, तो ए एफ डी हो गया, और यहाँ ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी कौन सा अक्षर नहीं दिख रहा है, ई ए से एफ तक के अक्षर लिखे थे, ए दूसरे का हमारे विपरीत निकल आया है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, यही अक्षरों को एक हम विस्तार में क्या करेंगे, इसको भरेंगे, भरने की सिर्फ प्रक्रिया आप जानते रहे किस तरीके से भरना है, बस वही आपका गलत ना हो, आप आसानी से आ जाता है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर ले लिया क्या, प्रसार बना लिया, ए का ई होता है दिया है इसमें, इसका मतलब ए ई सबसे पहले भर लिए, एफ और बी लिखा हुआ है, तो यहाँ एफ लिखेंगे तो यहाँ बी लिखेंगे, एक छोड़ के विपरीत निकलता है,
आप किसी कमरे में हैं, इस दीवार के पास खड़े हैं, उधर वाली दीवार के पास जाना है, तो इसका मतलब एक सतह कोई भी छोड़ दीजिए विपरीत आता है, तो एक सतह को छोड़ने के बाद ही विपरीत आता है हमेशा। यहाँ डी का विपरीत सी दिख रहा है, यहाँ डी भरेंगे सी उल्टा नहीं भरना है आपको, हमेशा दाहिने साइड से क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग भरना है, क्योंकि क्लॉकवाइज घूमते हैं क्लॉकवाइज से भरना है। इतना आप भर लिए तब हमारा प्रश्न क्या दिख रहा है, ए बी क्वेश्चन मार्क, यहाँ ए दिख रहा है यहाँ बी दिख रहा है, इसका मतलब दोस्तों ए बी डी यहीं से बन रहा था, हमको यहाँ एक कोने से घूमना है, क्लियर है। तो इसका मतलब ए बी डी ई सी बी ई डी एफ ई एफ, यहाँ आगे देखेंगे तो यहाँ क्या भरा जाए, कुछ लोग सोचेंगे यहाँ क्या होगा, तो डी का विपरीत इधर सी है, एक छोड़ने पर डी का विपरीत सी आ रहा था, यहाँ भी एक छोड़ने पर डी का विपरीत यहाँ भी सी आ जाएगा, तो उधर अगर चलना होता तो ई एफ सी ऐसा दिया होता कि ई एफ क्वेश्चन मार्क, तो ई एफ सी आ जाता है यहाँ पर। अगला क्या दिख रहा है, सी एफ क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब ये सी दिख रहा है, यहाँ से आप देखेंगे सी और इधर हम पढ़ा लेते हैं या इधर भी कर सकते हैं, क्योंकि बी का विपरीत यहाँ एफ है तो बी का विपरीत यहाँ भी एफ कर सकते हैं, हम आगे बढ़ा कर दे सकते हैं, क्लियर है, या आगे भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला क्या दिख रहा है, सी एफ क्वेश्चन मार्क, तो पहले वाले का क्वेश्चन मार्क क्या आ गया आपका ए बी डी, क्योंकि यहाँ ए बी क्वेश्चन मार्क था, ए बी डी क्लॉकवाइज घूमना है, इसका मतलब डी आ गया, क्लियर है। अब अगले वाले में क्या भरा जाएगा, तो कह रहा सी एफ क्वेश्चन मार्क, आपको एफ सी नहीं उल्टा नहीं चलना, क्लॉकवाइज चलना है, सी एफ क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर आप देखेंगे सी एफ क्वेश्चन मार्क का मतलब ए आ रहा है, ऊपर ए ही तो होगा चाहे जहाँ आप जाओगे, सी एफ क्वेश्चन मार्क मतलब ए आ गया, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद आपको देखना है कि अगले पॉइंट में इधर देखेंगे सी एफ, तो इधर से भी देखिए आगे सी एफ ए, तब भी ए ही आ रहा है, तो दोनों स्थितियों में ए आ रहा है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्लियर है। आइए हम देख लेते हैं सिंबल का, चाहे देख लीजिए चाहे कलर का देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने ये एक अगला क्वेश्चन लिख दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से निकालिए पिछले दो क्वेश्चनों के अनुसार, इन दोनों को हम क्या करेंगे एक दूसरे विपरीत सतह निकाल करके विस्तार उसका बताना, बता ही दिए हैं कैसे विस्तार भरना है, भरने के बाद हैश डालर क्वेश्चन मार्क, तो हैश से आप क्लॉकवाइज चलिएगा कंटिन्यूअसली, और यहाँ पर साई परसेंटेज क्वेश्चन मार्क, तो दोनों स्थितियों में क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो आप लोगों को ये अपने से हल करके बताना है पिछले दो क्वेश्चन के अनुसार, क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग एक सतह समान से संबंधित क्वेश्चन देख लिए हैं, इतना इनफ है, इसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं दो सतह समान, और अभी आगे क्या होगा, चार पांच स्थितियां देख करके विपरीत पूछेगा, तो उसको हम लास्ट में बताएंगे, आप इसको पहले लगाइए। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या, दो सतह समान होने पर, दो सतह समान होने पर कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों अगर एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई और उनमें दो सतहें समान, जैसे मैंने दो पासा दे दिया है, इसमें हमने दिया तीन पांच एक चार एक तीन, ऐसा लिख दिया दोस्तों। अब आप लोगों को इसमें कभी भी कोई चीज की टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उनकी दो सतहें समान होती हैं, तो इसमें विपरीत सतह जब भी पूछता है एकदम से नॉर्मल होता है, बहुत रेयरली पूछता है, जो पूछता है पहले पॉइंट का पूछता है, जो हमने पढ़ा चुका है पहले टाइप का वन फेस कॉमन वाला, तो इसमें कभी भी अगर देता है एक ही पासे की दो स्थितियां दिया गया हो और दो सतहें समान हो, तो ऐसे में हमको विपरीत सतह ज्ञात करने के लिए सिर्फ एक चीज ध्यान देना है कि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उनकी दो सतहें समान हो, तो जो सतहें समान नहीं होती हैं वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। तो इसमें तीन एक आपका कॉमन है, तो क्या कॉमन नहीं है चार और पांच, इसका मतलब चार और पांच क्या हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत सतह पर अंक हो जाएंगे, क्लियर है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जो सतहें समान हैं इनकी विपरीत सतहें कौन है, यहां भी तीन एक पड़ोसी है, यहां भी तीन एक पड़ोसी है, तो इसका मतलब तीन एक के पड़ोस में पांच है, तीन एक के पड़ोस में चार है, तो एक और तीन का विपरीत चार और पांच तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक विपरीत हो गया तो ये हो नहीं सकता है, इसी वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे विपरीत हो जाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि तीन और एक की विपरीत क्या होंगी, तो इसका मतलब जो समान होती हैं उनकी विपरीत वे होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, तो तीन और एक आपका दोनों में समान है, तो तीन और एक का विपरीत कौन हो जाएगी जो दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो दो या छह, यहां भी क्या लिखेंगे दो या छह,
तो ये इसका आंसर निकल के आएगा कि एक ही पासे की ऐसी दो स्थिति थी कि इसमें पूछ लिया पांच के विपरीत क्या होगा, डायरेक्ट चार बता देंगे, लेकिन तीन अकेले का पूछ लेता है तो तीन का पांच एक चार तो हो गए, बचा क्या दो और छह, तो उन्हीं दो और छह में से तीन का विपरीत हो जाएगा और एक का विपरीत हो जाएगा, लेकिन होगा एक ही, इसलिए आयदर आदमी बताना है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमने लिख दिया एक क्वेश्चन और मान लीजिए, बस इसमें कुछ है नहीं, ये एकदम नॉर्मल सा टॉपिक से है, इसको आप लोग अपने आसानी से लगा सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर ए लिख दिया, डी लिख दिया, सी लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ऐसा हमने लिख दिया, इतना क्लियर है दोस्तों। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये, चलिए ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि दोनों पासों में ऐसे कौन से दो अक्षर हैं जो दोनों में दिखाई दे रहे हैं, तो क्या दिख रहा है, डी सी डी सी, इसका मतलब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गया है, तो जो दो सतहें समान होती हैं उनको छोड़कर जो बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तो क्या बच रहा है ए और बी, तो यहाँ ए और बी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और जो समान है उनकी विपरीत वे होंगी जो दिखाई नहीं दे रही है, तो सी और डी का विपरीत कौन होगा, इसका मतलब ई या यह, और यहाँ भी ई या यह, क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग इसमें लगाते हैं, अगर इसमें आपका पूछ लेता है क्या चीज, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन, कि अगले पासे में दे दिया हो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, तो एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, बहुत रेयरली पूछता है, विपरीत आप समझ गए हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर निकालना बता दे रहे हैं, क्लियर है। देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पर पूछता तो है नहीं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन बता दे रहे हैं, कह रहा है कि एक पासे की दो स्थिति दिया गया है, अगले में क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो इसमें क्या होता है वन फेस कॉमन का ही क्वेश्चन देता है, आप लोग किताब में खुद ही देखेंगे, इसमें बहुत रेयरली देता है। तो जैसे हमने एक पासे की दो स्थिति दिया है, दोनों में क्या है, दो सतहें समान है, दो एक दो एक, तो चार और पांच एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो यहाँ हमको पहले विपरीत निकालना है। अब एक और दो का विपरीत कौन होगा, तो एक और दो का विपरीत कौन हो जाएगा आपका, तीन या छः, और यहाँ भी दो का विपरीत क्या हो जाएगा, तीन या छः, क्लियर है। अब इसको हमें क्या करना है, विस्तार वाले पासे में भरना है, प्रसार चित्र में भर देना है, मैंने ऐसे भर दिया, क्लियर है। चार का विपरीत पांच दिख रहा था, हमने मान लेते लिख दिया चार का विपरीत, यहाँ पांच लिख दिया। अब यहाँ एक का विपरीत तीन या छह दिख रहा, तो यहाँ पर एक के विपरीत में यहाँ क्या लिखते हैं, तीन या छह, और फिर इसके बाद दो के विपरीत में तीन या छह है, तो यहाँ भी दो के विपरीत में तीन या छह, क्लियर है दोस्तों। तो अब यहाँ पर कैसी कंडीशन आपकी बन जाती है, तो थोड़ा सा इसी वजह से इसमें का क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि मान लेते हैं तीन से चलना है, तीन चार तो छह तो होगा नहीं, क्लियर है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम लोगों को हमेशा ये चीज देखना है कि आइदर वाले क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फिर भी आपका मान लेते दिया तीन एक क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका दिख रहा है एक, यहाँ दिख रहा है, तो एक का विपरीत यहाँ पर ये चीज दिख रहा है, तो यहाँ भी आप ले सकते हैं एक, क्लियर है। तो तीन एक क्वेश्चन मार्क आपका दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तीन है ये एक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप चार हो जाएगा, मतलब तीन एक क्वेश्चन मार्क, तो तीन ये ले लिए तीन एक क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ वाले तीन से मतलब नहीं आपका रह गया, तो तीन एक क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क बराबर क्या जाएगा चार, बाकी इसका क्वेश्चन बनता नहीं है, मैंने एक बता दिया है कि कभी कोई पूछ लिया इसमें कैसे, तो आप बता सकते हैं, क्लियर है। अब हम लोगों को दो सतह समान वाला क्वेश्चन बता दिए, विपरीत कैसे निकलता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम नो फेस कॉमन अर्थात बिना समान सतह वाले बताएंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों दे दिया कि जब कोई भी सतह समान ना हो, तो जब कोई भी सतह समान नहीं होता है, तो मैंने आपको कल वाले क्लास में बताया था, पिछली पहली वाली क्लास में, कि सबसे पहले ये चीज चेक करते हैं कि दिया गया पासा क्या है, साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो मानक पासा में कभी भी दो पड़ोसी सतहों का योग साथ नहीं होता है, तो जब दो पड़ोसी सतहों का योग साथ नहीं होता है, तो विपरीत सतहों का योग साथ होता है। तो अगर मानक पासा होता है, इसका मतलब एक का विपरीत छः, दो का विपरीत पाँच, तीन का विपरीत चार हो जाता है। तो पहले हम मानक और साधारण पता करेंगे। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन पे हम देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन कोई भी छूटेगा नहीं, तो आप इन दोनों में देखेंगे तो भाई ये पासा कैसा दिख रहा है, ये दोनों पासा क्या आपका दिख रहा है, ये मानक पासा है। तो एक ही पासे की दो स्थिति दी गई, इसका मतलब ये क्या है, मानक पासा है। मानक पासा में कुछ भी नहीं करना होता है, चाहे एक पासा दिया हो चाहे दो पासा दिया हो, हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत कौन हो जाता है, विपरीत सतहों का योग साथ होने पर। तो तीन का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चार हो जाएगा, और एक का विपरीत यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा, और दो विपरीत क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा, क्लियर है। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन देता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, तीन का विपरीत यहाँ चार हो जाएगा, एक का विपरीत यहाँ छह हो जाएगा, दो विपरीत यहाँ पांच हो जाता है, ऐसा भी दे देता है। तो यहाँ ऐसा लिखा ही रहेगा, विपरीत सतहों का योगफल जोड़ने पर सात आएगा,
लेकिन अगर मानक ना हो, साधारण हो, जैसे मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उनकी कोई भी सतह समान ना हो, तो मानक की स्थिति में विपरीतताओं का योग प्रसाद हो जाता है। लेकिन साधारण स्थिति में क्या होता है, ये साधारण पासा है, तो साधारण की स्थिति में क्या होता है, अगर दो पासे दे दिए जाते हैं तो इस पासे पर लिखे तीनों अंकों का विपरीत उन तीनों में से कोई भी हो सकता है, और इस वाले पासे पर लिखे तीनों अंकों का विपरीत पहले वाले पासे के लिखे अंकों में से कोई भी अंक हो सकता है। तो इसमें आइदर आर में आपको बताना होता है, जैसे एक का विपरीत आपसे पूछ लिया तो तीन और चार तो कभी नहीं हो, क्योंकि पड़ोसी ऑलरेडी दिख रहे हैं, और इनमें से भी दो पड़ोसी हैं, एक ही विपरीत है, कौन है क्लियर नहीं है, तो दो या पाँच या छः ये आप आंसर देंगे। उसी तरीके से तीन का पूछता है तब भी दो या पाँच या छः बताएंगे, दो या पाँच या छः। ऐसे ही चार का पूछता है तब भी दो या पाँच या छः बताएंगे। उसी तरीके से इस दो का पूछता है कि इसमें इस दो का विपरीत होगा तो पाँच छः पड़ोसी दिख रहे हैं, तो इन तीनों में से कोई ना कोई होगा, इसके लिए एक या तीन या चार बताएंगे। और पांच का विपरीत पूछ लिया है तो इस पांच का विपरीत एक या तीन या चार आप फिर से लगाएंगे, एक या तीन या चार। और यहाँ पर आपका छह का विपरीत पूछ लिया तब भी आप क्या लगाएंगे, एक या तीन या चार। तो आइदर आर की कंडीशन बनती है जब ऐसा क्वेश्चन आपका दिया जाता है। क्लियर दोस्तों, अमानक होने पर विपरीतताओं का योग प्रसाद होता है। अगर एक ही पासा दिया होता तब भी आपका तीन का पूछता तब भी कंडीशन होता, लेकिन मानक और साधारण की स्थिति तो लागू होती है एक से छः तक के। जब अक्षर दे दिया हो, रंग का नाम दे दिया हो, सिंबल दे दिया हो, या छः से बड़े अंकों की बात कर दिया हो, तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर का ऊपर विपरीत, सामने का सामने वाला विपरीत, दाहिने का दाएं वाला विपरीत। क्लियर है? तो इसमें आपका क्या हो जाता है, इसमें सात का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्यारह हो जाएगा, सात का विपरीत ग्यारह, नौ का विपरीत क्या हो जाएगा छः, बस समान सत्ता वाले, तो नौ का विपरीत कितना हो जाएगा दोस्तों, छः हो जाएगा, और दस का विपरीत कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से इसमें के का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। अब पी का के हो जाएगा, एल का आर हो जाएगा, एल का आर, आर का एल हो जाएगा, एम का टी और टी का एम हो जाएगा, एकदम आसान। यहाँ पर लाल का पीला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आपका साधारण मानक दिख नहीं रहा है, इसलिए ऊपर का ऊपर, सामने का सामने, बाएं का बाएं, दाएं का दाएं, जो चीजें लिखा हुआ है, तो यहाँ लाल का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, पीला हो जाएगा, जब कोई सतह सामान्य होगी। हरा का विपरीत क्या हो जाएगा, तो हरा का विपरीत बैंगनी हो जाएगा, और यहाँ पर नीला का विपरीत नारंगी हो जाएगा, नीला का विपरीत क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से नो फेस कॉमन में आपको क्वेश्चन लगाना, मैंने पांच क्वेश्चन यहाँ पर बताए हुए हैं। क्लियर है? तो अब हम लोगों को करना क्या है कि वन फेस कॉमन, टू फेस कॉमन, नो फेस कॉमन, इतनी चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं, तो इतना चीजें आप लोग कन्फर्म कर लीजिए, बाकी हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि आप पासे का प्रसार क्या है, पासे को मोड़ना क्या है, और जब दो से ज्यादा पासे, चार पांच पासे दे दिए जाते हैं तब उसमें विपरीतता कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इन सभी चीजों की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और इतनी चीजें आप पढ़ लेंगे तो अगली क्लास और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी और मजा आएगा पढ़ने में। तो ये दूसरी क्लास है, तो एक क्लास इसकी हम और लास्ट लेंगे, तब तक आप लोग इतना कंफर्म कर लीजिए ताकि उसको पढ़ने में आप लोगों को कोई भी तरीके दिक्कत ना हो, ऑलरेडी आप बताते चलेंगे, सब आप खुद से करते चले जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये तीन टॉपिक्स मैंने बताया, विपरीतता कैसे निकलता है और क्वेश्चन मार्क कैसे ज्ञात किया जाता है। अब अगली जो क्लास होगी उसमें क्या हम बताएंगे, पासे का प्रसार, पासे को मोड़ने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी, प्रसार करने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी, और चार पांच पासे दे दिए जाते हैं तो उनमें विपरीतता कैसे निकाला जाता है, और कुछ अन्य प्रकार के भी क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।